This news sponsored by Cummins College of Engineering for Women. नमस्कार, स्वागत है आपका इन बी सी एन न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूं आपके साथ भाग्यश्री। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने जमानत पर अंतरिम रोक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। केजरीवाल की याचिका पर जस्टिस मनोज मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच मेहता हरी मेहताब ने प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ ले ली है। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शपथ दिलाई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ अयोध्या के लिए रवाना हुए। उन्होंने कहा कि आज हमारे मंत्रिमंडल के सभी मंत्री भगवान राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखपत्र समाजवादी बुलेटिन में दावा किया गया है कि अखिलेश यादव को पार्टी के संसदीय दल का नेता चुन लिया गया है। ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी ने बीजेपी नेता स्मृति ईरानी की मौजूदगी में लंदन के ऑस्ट्रेलिया में इंडियन जिमखाना क्लब में मोती 3.0 के लिए एक जीत का जश्न मनाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर संयुक्त अरब अमीरात के अपने समकक्ष अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान के साथ वार्ता करने के लिए यूएई पहुंच गए हैं। आज से संसद सत्र शुरू हो रहा है। पहले दिन 280 सांसद शपथ लेंगे, इन्हें राज्यवार शपथ दिलाई जाएगी। 18वीं लोकसभा के पहले संसद सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज वैभव का दिन है। आजादी के बाद पहली बार नई संसद में शपथ समारोह हो रहा है। केंद्रीय मंत्री सूर्यकांत पाटिल ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। आज वो शरद पवार की मौजूदगी में करीब 3 बजे एनसीपी पार्टी में शामिल होंगी। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में एक महिला कांस्टेबल से रेप की खबर सामने आई है। इस मामले में पुलिस उपनिरीक्षक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। नागपुर क्षेत्र के अधीक्षण पुरातत्वविद अरुण मलिक ने बताया कि शेषशायी विष्णु की विशाल मूर्ति 1.70 मीटर लंबी और 1 मीटर ऊंची है। मूर्ति के आधार की चौड़ाई संभवतः 30 सेंटीमीटर है। बिहार और गुजरात के बाद महाराष्ट्र पुलिस भी FIR दर्ज कर नीट UG पेपर लीक की जांच शुरू करने जा रही है। महाराष्ट्र ATS ने अब तक 2 शिक्षकों से इस संबंध में पूछताछ की है। NCP विधायक दिलीप मोहिते पाटिल के भतीजे मयूर मोहिते पाटिल की कार ने 2 बाइक सवारों को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई है और वही एक गंभीर रूप से घायल हो गया है। मुंबई के मेरा रोड इलाके में नगर निगम द्वारा बायोगैस परियोजना के लिए खोदे गए एक खुले गड्ढे में शुक्रवार 21 जून को एक 5 साल के बच्चे की डूबकर मौत हो गई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जीत के लिए राजनीतिक पार्टियों ने रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। रामदास आठवले ने दलितों अल्पसंख्यकों को महायुति के पाले की बात कही है। भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत आज गिरावट के साथ हुई है। ग्लोबल संकेतों से कोई सपोर्ट न होने के चलते हफ्ते के पहले कारोबारी दिन घरेलू शेयर बाजार की ओपनिंग लाल निशान पर हुई है। दक्षिण अफ्रीका वेस्ट इंडीज को हराकर T20 वर्ल्ड कप 2024 के सेमीफाइनल का टिकट कटवा दिया है। अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज को DLS के तहत 3 विकेट से हरा दिया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला आज यानी 24 जून को खेला जाएगा। अगर यह मैच बारिश में धुलता है तो अफगानिस्तान की सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें बढ़ जाएगी। भगोड़े विजय माल्या ने बेटे सिद्धार्थ माल्या की शादी में खूब मजे किए हैं। सिद्धार्थ की शादी की फोटोज में विजय माल्या पोज देते नजर आ रहा है। सोनाक्षी और जहीर अब शादीशुदा हो गए हैं। इस कपल ने बीते दिन अपनी वेडिंग रिसेप्शन पार्टी होस्ट की थी और इस दौरान दोनों ने 4 टीयर केक काटकर शादी का जश्न भी मनाया। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए NBC News। नमस्कार।